जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमारी भी ये चाहत थी कि हम पैसे कमाएं, हम खुद की चीज़ें खुद खरीद सके, खुद की लाइफ खुद जी सके। तो आज की स्टडियो में मैं बात करूंगा कि एज अ फार्मेसी स्टूडेंट्स आप अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, स्टूडेंट्स लाइफ में पैसे कैसे कमा सकते हो। क्योंकि आप सब लोग मैं जानता हूँ कि थोड़े बहुत तो पैसे कमाना चाहते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में, क्योंकि खुद की चीज़ें खुद मैनेज करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कब तक घर वालों से पैसे लेंगे, उम्र भी उतनी हो जाती है 22-21, तो ऐसा लगता है कि खुद के पैसे हम खुद कमाना कब स्टार्ट कर देंगे। हालांकि बी फार्मेसी के बाद वो आप करने ही वाले होते हो, लेकिन वो 2-4 साल में भी आप करना चाहती हो तो आज का वीडियो आपके लिए है कि स्टूडेंट्स लाइफ में आपको कैसे पैसे कमाने हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्टेटमेंट, पावर स्टेटमेंट आप इसे बोल सकते हो, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही सोर्सेस है जहाँ से आपको जेन्युइनली अगर आप काम करोगे तो आपको इनकम आएगा। 1 गूगल, 2 थिंग यूट्यूब। हालांकि YouTube भी Google का ही प्रोडक्ट है, लेकिन मैं YouTube को Google से बहुत अलग रख रहा हूँ। Google के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद YouTube के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले YouTube के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि YouTube हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है और जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर कोई भी डिसेंट चैनल है 20,000-30,000 सब्सक्राइबर का, उसका भी पर मंथ का पेमेंट 10-12 हज़ार रुपये मिनिमम आ जाता है। और अगर उसकी निच ऐसी है जो टीचिंग वगैरह फील्ड में, अगर आपकी निच टेक्निकल वगैरह ऐसे फील्ड में तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10-12,000 रुपीज़ पर मंथ आपको आता है यूट्यूब से। कुछ नहीं करना आपको, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ डालने हैं और वीडियोज़ से आपको इनकम आता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ यूट्यूब की, तो यूट्यूब सिर्फ आपको यूट्यूबर नहीं बनना है। अगर आप यूट्यूब को बिज़नेस करना चाहते हो, यूट्यूब से आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस यूट्यूब चैनल को एज अ ब्रांड आगे मार्केट में लेके जाओगे। एज अ ब्रांड मतलब आप कोई फालतू कोई वीडियो उसके ऊपर नहीं डालोगे। 2 थिंग, आप स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करोगे। 3 थिंग, लोगों की प्रॉब्लम उससे सॉल्व होनी चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपका इंटरटेनमेंट का चैनल है, अगर आपको कोई शायरी का चैनल है, तो बात अलग हो सकती है। लेकिन आपका लोगों इंटरटेनमेंट कर रहे हो तो वो लोगों का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, तो एक तरह से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप ऐसे हो जो खुद का फेस कैमरे में फेस नहीं कर सकते, खुद को कैमरा में नहीं दिखाना चाहते, तो आप डायरेक्टली विदाउट द कैमरा भी वीडियो बना सकते हो, फेस ओवर वॉइस ओवर वीडियोस बना सकते हो। वॉइस ओवर वीडियोस बहुत सारे चैनल चलाते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होती दोस्तों कि यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बड़ा आदमी होने की ज़रूरत है या फिर कोई बहुत बड़ा क्रिएटर होने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स लाइफ में सब लोगों ने स्टार्टिंग जीरो से की थी। एक बात बिल्कुल है, यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले 100 वीडियोज़ आपको, पहले 2 महीनों के अंदर पहले 100 वीडियोज़ आपको डालनी चाहिए। अगर आप 100 वीडियोज़ डालोगे तो 100 में से किसी ना किसी एक वीडियो का आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, और वो रिस्पॉन्स आपको यूट्यूब चैनल में आगे जाने के लिए काम करेगा। कोई भी नया यूट्यूब चैनल होता है तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको तभी सूट करता है जब वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी पे आपको गधे जैसी मेहनत नहीं करनी, आपको अच्छी मेहनत करनी है, वीडियोस अच्छे बनाने हैं, वीडियोस अच्छे खासे आपके जिस टॉपिक के ऊपर है उसके रिलेटेड होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे वीडियोज़ बनाओगे तो लोग पसंद करेंगे। आपको कोई फालतू की चीज़ें नहीं लोगों को बतानी है, कोई ट्रिक्स टिप्स नहीं बतानी है जिससे आप क्लिक बेट कर रहे हो, मतलब टाइटल में कुछ और रख दिया, थंबनेल में कुछ और रख दिया और वीडियो के अंदर कुछ और है। इससे क्या होता है कि लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट निकल जाता है और आपके साथ वो रिटर्निंग जो व्यूवर्स आते हैं, जो आपको एक वीडियो नहीं 100 वीडियोस आगे देखने वाले होते हैं, वो लोग कहीं पे भी नहीं आ पाते और सब्सक्राइबर में काउंट भी नहीं हो पाते। और कई बार वो सब्सक्राइब कर भी देते तो वो डेड सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वो आपको वीडियोस बाद में देखते भी नहीं। तो इसलिए यूट्यूब अगर आपको गेम खेलनी है तो आपको अच्छी वीडियोज़ बनानी है, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है, जेन्युइन कंटेंट रखना है। कौन सी भी चीज़ हो, अगर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ आती है ना दोस्तों आपको, तो वो एक ही चीज़ आपको जेन्युइनली लोगों को बताते रहना दोस्तों, उस चीज़ से लोग आपके पास आते रहेंगे। कहना भूल गया मैं, गूगल के बारे में बात करने वाला था। गूगल के बारे में बात ये करना चाहता हूँ, गूगल के ऊपर होता है ब्लॉग्स, और ब्लॉग्स के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारे लोग इससे अर्निंग करते हैं। ब्लॉग्स आप कैसे बनाओगे उसके लिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन अगर आप राइटिंग में थोड़ा सा भी शौक रखते हो तो गूगल एड्स आपके ब्लॉग के ऊपर आएगी और ब्लॉग के ऊपर आने के बाद आपको अच्छी खासी अर्निंग करके देगी। ये आप थोड़ा सा किसी की हेल्प लेके यूट्यूब लैपटॉप वगैरह के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब और ब्लॉग दो ऐसे वेज है जहाँ से लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको अर्निंग आती रहती है। बाकी के बहुत से रिसोर्सेस है लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक चीज़ में अपने अपने प्लस एंड नेगेटिव्स है। यूट्यूब एंड ब्लॉग टू आर थिंग्स जिसमें मैं कहता हूँ कि आपको कोई मेहनत नहीं जा रही, आपको कोई बर्बादी नहीं हो रही। अगर आपका यूट्यूब चैनल चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो आपका बी फार्मेसी की डिग्री तो है बाद में, आप जॉब तो कर ही लोगे। ब्लॉग कैसे बनाए, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ कैसे डाले, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। इसके वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस घोल मिल के यूट्यूब के ऊपर आपको कैसे चैनल बनाना है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।